हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जो रिमेनिंग था वो है प्रोजेक्टिव एड्स के कुछ एक पॉइंट्स, जिसमें अपन पढ़ चुके हैं ओपेक प्रोजेक्टर, फिल्म स्लाइड्स, टीवी एंड ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं कैमरा पे। कैमरा के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये एक स्पेशल डिवाइस होती है जिसका यूज़ किया जाता है फोटोग्राफ्स को क्लिक करने के लिए, और बहुत सारे पर्पज़ होते हैं इसको यूज़ करने के लिए। कैमरा के बहुत सारे टाइप होते हैं, मिनिएचर कैमरा और बॉक्स कैमरा, फोल्डिंग कैमरा, ये सारे इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर मिनिएचर कैमरा होता है जो हमारी पाम के अंदर भी आ जाता है आसानी से, और इसको हम हाइड करके फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं आसानी से। देन बॉक्स कैमरा होता है जो स्मॉलेस्ट होता है सारे कैमराज के अंदर, और एट वन एंड इट हैज़ लार्ज होल कवर्ड बाय द सैम्पल प्लानर टाइप ऑफ लेंस, मतलब ये सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करता है इसका जो लेंस है वो। उसके बाद आता है फोल्डिंग कैमरा थर्ड, जिसके अंदर व्यू कैमरा, प्रेस कैमरा, स्टूडियो कैमरा, ट्विन लेंस रिफ्लेक्स, एरियल कैमरा, मूवी कैमरा, इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें कि अपन जैसे कैमरा के बारे में थोड़ा बहुत अगर जानना चाहें तो इसका एजुकेशन में क्या यूज़ होता है कैमरा का, वो है कि प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमको इमेज दिखा रहे हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, वो अपन कैमरा के थ्रू दिखाते हैं, इमेज को ऐड करते हैं, और रियल क्लिनिकल प्रैक्टिस इमेजेस जो होती है वो भी कैमरा के थ्रू ऐड करते हैं, और हेल्प ऑफ LCD फिल्म प्रोजेक्टर या स्लाइड्स के अंदर भी हेल्प करता है कैमरा। माइक्रो एंड मैक्रो व्यू, मतलब किसी भी इमेज को बड़ा या छोटा करके देखने में भी बहुत हेल्प करता है। रिकॉर्डिंग स्टूडेंट की प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ थ्रू फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के थ्रू ये सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट को, कैप्चर करता है एडवांस नर्सिंग प्रोसीजर को, और रेयर सर्जिकल प्रोसीजर होंगे या प्रेजेंटेशन होगी, इन सबको रिकॉर्ड करने के लिए भी अपन कैमरा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अपन आता है वीडियो। वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि वीडियो के अंदर छोटा सा ही है वीडियो के बारे में, कि वीडियो है जो कि कास्ट प्लेयर कंबाइंस है, तो एडवांटेज ऑफ बोथ मोशन पिक्चर्स एंड टाइप टेप रिकॉर्डर। इसके अंदर मोशंस भी होते हैं, पिक्चर भी होती है, मतलब वीडियो पूरा रिकॉर्ड होता है, ऑडियो एंड वीडियो दोनों। इसके अंदर टीचिंग और ट्रेनिंग के अंदर हम वीडियोस का यूज़ करते हैं जनरली, और ये वीडियोस होता है वो स्पेशली एजुकेशन फील्ड्स के अंदर हम वीडियोस का यूज़ करते हैं। तो वीडियोस के बारे में हम इतना पढ़ेंगे। देन हम आएंगे LCD। LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है इसकी फुल फॉर्म, और इसका जो यूज़ होता है वो PC, इसको अपन PC से कनेक्ट कर सकते हैं, और ओवरहेड प्रोजेक्टर एंड इनेबल यू कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस जितनी भी होगी वो सारे इसके अंदर अपन आराम से देख सकते हैं। क्लासरूम या लेक्चर हॉल या मीडिया या सेंटर्स या स्टूडेंट सर्विस सेंटर्स या बहुत सारी जगह पर हम LCD का यूज़ करते हैं। इसकी जो डिस्प्ले है विच बिकम वैल्यूएबल टीचिंग एड्स एंड लेक्चर मटीरियल इंस्ट्रक्शन शुड बी इंफॉर्मेशन स्ट्रीमिंग वीडियोज डाटा डिस्प्ले और प्रमोशनल मैसेज। इसके बाद ये वर्क करता है कॉन्जुगेशन के लिए विद द मेन स्क्रीन एंड फ्रंट ऑफ द रूम मॉनिटर्स। देन हम इसके बाद हम आएंगे कि LCD का यूज़ क्या क्या है। LCD के अंदर क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि वारंट करते हैं केयरफुली कंसिडरेशन के लिए प्रोजेक्टर या ब्राइटनेस के लिए, और ये इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट वारंट केयरफुल कंसिडरेशन एंड प्रोजेक्टर ब्राइटनेस इज गोइंग टू बी ऑपरेटेड द कॉस्ट रिजोल्यूशन कॉन्ट्रास्ट रेशियो एंड नेटवर्किंग कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्टर एंड हाउ सिक्योर इट इज़ वेन इन प्लेस। ये था इसके बारे में LCD के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन। देन हम आते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का अपन यूज स्टडी में सबसे ज़्यादा करते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह में हम करते हैं माइक्रोस्कोप का यूज़, इससे हम चीज़ों को बड़ा या छोटा करके आसानी से देख सकते हैं, या कोई भी हम लेबोरेटरी के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रोस्कोप की यूज़ इतने ही हैं। इसके बाद में माइक्रोस्कोप के बारे में हम थोड़ा बहुत बुक की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं।
Microscope is a piece of equipment that makes small objective looking big enough for you to be able and see them. माइक्रोस्कोप का यूज़ हम छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं. इसके मेन पर्पज़ होते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मैक्सिमेशन ऑफ रिजोल्यूशन. देन नेक्स्ट इसका पर्पज़ आता है वो ऑप्टिमिज्म ऑफ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म एंड बैकग्राउंड. माइक्रोस्कोप के जो पार्ट होते हैं वो है तीन पार्ट्स होते हैं. एक तो पहला स्टैंड, दूसरा आएगा ऑप्टिकल सिस्टम एंड थर्ड आएगा बॉडी. ये माइक्रोस्कोप के पार्ट्स होते हैं और इसका यूज़ एजुकेशन में मेनली हम करते हैं या लेबोरेटरी में करते हैं. थैंक यू.